सुशील मोदी सठिया गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको किनारा कर दिए हुआ है, तो चमचागिरी की सीमा पार कर रहे हैं। 40 सीट भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। जब से इंडिया गठबंधन मजबूत और सशक्त हुआ है तब से दिमागी संतुलन खो बैठा है। उनको पता नहीं चलता है कि कितना सीट जीतना है कितना सीट नहीं जीतना है। 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, सीट इनका बढ़ते जाएगा। 2 करोड़ रोजगार बोले थे, नहीं दिए तब भी सीट बढ़ेगा। छाप तिलक तब जीने मोते नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, हो रे जिया तू हजार साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत जो है हर करवट एक नया मोड़ ले रही है। बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जबानी तीर जो है चल रहे हैं। इसी बीच सुशील कुमार मोदी का एक बयान आता है कि बीजेपी जो है 400 के 400 सीट जीतेगी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रदेश के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? सुशील मोदी सठिया गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको किनारा कर दिए हुआ है, तो चमचागिरी की सीमा पार कर रहे हैं। 40 सीट भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। और सुशील मोदी तो आपको 400 कह रहे हैं, कुछ देर के बाद पूछिएगा तो 4000 भी कह देंगे। पूछिएगा 4000 कहाँ से, तो कहेंगे संसद बढ़वा लेंगे। एकदम भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से इंडिया गठबंधन मजबूत और सशक्त हुआ है तब से दिमागी संतुलन खो बैठा है। उनको पता नहीं चलता है कि कितना सीट जीतना है कितना सीट नहीं जीतना है। 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, सीट इनका बढ़ते जाएगा। 2 करोड़ रोजगार बोले थे, नहीं दिए तब भी सीट बढ़ेगा। अच्छे दिन आएंगे, बुरा दिन में ला दिए तब भी सीट बढ़ेगा। नौजवानों का रोजगार छीन लिए तब भी इनका सीट बढ़ेगा। कह रहे थे भारत की संपत्ति नहीं बिकने देंगे, सब सामान बेच दिए, चाय बेचने वाला आदमी प्लेटफॉर्म बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, और सब भारत की संपत्ति बेच दिए, तो उनका सीट बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा हम नहीं समझ में आता है। महिलाओं पर अत्याचार करें तब भी कहते हैं सीट बढ़ेंगे, किसानों को रौद दिए तब भी कहते हैं सीट बढ़ेंगे। ये फार्मूला सुशील मोदी से पूछिएगा कि 10 साल का जुमला आपका सीट कैसे बढ़ाएगा। मुझे लगता है धोखे से 40 को 400 कह दिए। सर, बीजेपी का बयान एक ये भी आ रहा है कि बीजेपी में संगठन है जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंचा हुआ है, इंडिया में कोई संगठन नहीं है, आपसी नाइतफाकी का शिकार है, और इंडिया गठबंधन अभी तक ये भी नहीं तय कर पाया है कि उनका सरदार कौन है। इंडिया गठबंधन में संगठन नहीं है तो कर्नाटक में भाजपा को हरा किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने हराया। आप बताइए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो बिना संगठन के है, बिहार में भाजपा कौन हराया है? इंडिया गठबंधन ने हराया है। बंगाल में उनको कौन हराया है? इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर हराया। महाराष्ट्र में हराए थे तो कौन हराया था? दिल्ली में कौन हराया? तमिलनाडु में कौन हराया? तेलंगाना में कौन हराया? केरला में भाजपा को कौन हराया? तो सब राज्य हारते जा रहे हैं तो यो कहते हैं संगठन नहीं है, तो न कहें कि भारतीय जनता पार्टी भसिया गया है, इसलिए अलूल जलूल बयान देते रहता है। उनसे पूछिएगा ना कि बिहार में संगठन था तो क्यों नहीं पनप रहे हैं, बंगाल में संगठन था तो क्यों नहीं पनप रहे हैं, दिल्ली में संगठन था तो क्यों नहीं सरकार बन रही है, कर्नाटका में संगठन था तो क्यों भाग गया आपका, हार गया आपकी सरकार, हिमाचल में कहाँ भाग गए आप? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी घटती जनाधार को देखते हुए अपने आपा खो बैठे हैं, इसलिए 2024 तक कुछ कुछ बोलते रहेंगे। अब चल चलंती का बेटा बेला है, 1-2 महीने में चुनाव की घोषणा होना है, चुनाव मैदान में जाएंगे, इंडिया गठबंधन की और सरकार बनेगी, और देश को एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान दूरदर्शी प्रधानमंत्री मिलेगा।
सर, खबरों की माने तो ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी सुर्खियां बढ़ी हुई हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार बदल जाएगी, बीजेपी पावर में आ जाएगी, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, ललन सिंह जी का इस्तीफा जेडीयू का इंटरन मामला है, लेकिन जो सामने में बात है कि जेडीयू ने पहले से दिल्ली में कार्य समिति और राष्ट्रीय समिति की बैठक उन्होंने रखा है, तो भारतीय जनता दल यू को अपने चुनाव करने के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए वो अधिकृत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तांग झांके कोई जरूरत नहीं है। जेडीयू इंडिया गठबंधन में था, है और रहेगा, ये मैं नहीं, नीतीश कुमार जी कह चुके हैं। ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, जो साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, सुशील कुमार मोदी जो है वो सठिया गए हैं, उन पर उम्र का तकाजा है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। खबरों में रहने के लिए, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं जानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।